सुपर चोर एपिसोड 271 से लेकर 275 तक। एस ने पूरी तरह से सफेद चोरी उत्तेजना आभासी कमरे में प्रवेश किया। ये खाली था, लेकिन जिस क्षण एस ने इसमें कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसका दिमाग साफ हो गया है और कानूनों के साथ उसका संबंध गहरा हो गया है। इस क्षण, इससे पहले कि वह उस भावना को पूरी तरह से समझ पाता, उसके सामने अचानक एक इंटरफेस खुल गया। चोरी उत्तेजना वर्चुअल रूम मेनू, आभासी उत्तेजना के लिए उपलब्ध कौशल, मंत्र, मन चुराने की कला, वर्तमान क्षेत्र स्थाई चोर चांदी हाथ, पांचवां क्षेत्र शेष क्षेत्र सिल्वर ट्रेजर हंटर, छठा गोल्डन थिविश हैंड, सातवां परमानेंट थिविश गोल्डन हैंड, आठवां गोल्डन ट्रेजर हंटर, नौवां लॉक्ड, दसवां अगले दायरे के लिए उत्तेजना लागत 9 उत्तेजनाओं के लिए 10,000 हाउस पॉइंट, पूर्ण पिकपॉकेट 9% स्पेस लॉ के साथ समन्वय, स्पेस इंटेंट के लिए उत्तेजना लागत 10-20 स्पेस कॉम्प्रीहेंशन 1,00,000 हाउस पॉइंट्स, 9 उत्तेजनाएं, ब्लैक टेम्पेस्ट अपर अर्थ ग्रेट स्पेल, वर्तमान प्रवीणता प्रारंभिक वन चोर शीर्षक लागू, मध्यवर्ती प्रवीणता के लिए उत्तेजना लागत 9 उत्तेजनाओं के लिए 1,000 हाउस पॉइंट, डार्क रिविलेशन अपर अर्थ ग्रेट स्पेल, वर्तमान प्रवीणता प्रारंभिक वन चोर शीर्षक लागू, मध्यवर्ती प्रवीणता के लिए उत्तेजना लागत 9 उत्तेजनाओं के लिए 1,000 हाउस पॉइंट। एस ने जब मेनू देखा तो वह अवाक रह गया और उसने होंठ सिकुड़ते हुए पूछा, हर कौशल मंत्र के लिए एक कीमत क्यों है जिसे उत्तेजित किया जा सकता है? मैंने सोचा था कि जब तक मैं इसे सक्रिय करता हूं, तब तक वे चोरी उत्तेजना आभासी कमरे में शामिल होंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे जो भी कौशल उत्तेजित करना था उसके लिए मुझे अलग से भुगतान करना होगा। होस्ट के कौशल मंत्र अन्य हाउस सदस्यों से पूरी तरह से अलग हैं, यही कारण है कि होस्ट को कौशल मंत्र की कठिनाई के अनुसार प्रत्येक उत्तेजना के लिए भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा होस्ट को पहले से ही ध्यान देना चाहिए था कि चोरी उत्तेजना वर्चुअल रूम उत्तेजना सुविधा का उपयोग किए बिना भी कानून की समझ में मदद कर सकता है। कृपया बिना किसी अच्छे कारण के शिकायत न करें, एस ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तो फिर मुझे शिकायत करने का कोई कारण मत दो, धिक्कार है। लेकिन सिस्टम ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए वह चुपचाप गुस्सा कर सकता था और फिर उसे जाने दे सकता था। आखिरकार वह जानता था कि सिस्टम उसके लिए अपने हास्यास्पद नियमों को नहीं बदलेगा। इसके अलावा सिस्टम स्पष्टीकरण के बारे में उत्तराध हिस्सा सच था, क्योंकि वह वास्तव में इस स्थान में घने कानून को महसूस कर सकता था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उपलब्ध कौशल मंत्रों में महारत हासिल करना वाकई मुश्किल था, खास तौर पर सूची में बताए गए पहले दो में। उसने पहले ही मॉडल स्काई हेवन से इन दो को छोड़कर बाकी सब में महारत हासिल कर ली थी। एब्सोल्यूट पिकपॉकेट के लिए उसे अंतरिक्ष कानून की अपनी समझ को बढ़ाने की आवश्यकता थी, और उसने महसूस किया कि वह अपने सामान्य पिकपॉकेट का उपयोग लॉस्ट एज साधक पर नहीं कर सकता था, क्योंकि वे कानूनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे और उनके सामने मौलिक कौशल बचकाना था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी शुरू करे, उसके पास अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें उसने रोक रखा है, क्योंकि वह जल्दी में था। पहली चीज थी चोर नौकरी मिशन को पूरा करने से उसे मिलने वाला बचा हुआ इनाम। उसने अपना हाथ उल्टा, उसके हाथ में एक शारीरिक स्याही वाला पंचकोणीय सिक्का दिखाई दिया। वहां उसका नया चोर प्रतीक था, जो अनगिनत तारों वाले रूनों से बना हुआ लग रहा था। इसके दूसरी तरफ एक हुड की रूनिक छवि उकेरी गई थी। उसने उसका विवरण खोला, चोर संबद्ध क्षमता टोकन ग्रेड, परिचय चोर सहबद्ध क्षमता टोकन, स्वर्ग के चोर को चोर से संबंधित किसी भी कौशल मंत्र को चोर सहबद्ध क्षमता में शामिल करने की अनुमति देता है। इसके बाद कौशल मंत्र चोर सहबद्ध क्षमता में बदल गया, जिसकी अब कोई सीमा नहीं होगी और स्वर्ग के चोर के साथ विकसित और बढ़ सकता है। अस्वीकरण, यदि चोर संबंधी कौशल मंत्र स्वर्ग के चोर की तुलना में बहुत उच्च श्रेणी का और अधिक शक्तिशाली है, तो इसे चोर संबंधी क्षमता में शामिल करने पर इसकी शक्ति ग्रेड को स्वर्ग के चोर के वर्तमान क्षेत्र कौशल से मेल खाने के लिए पुनः समायोजित किया जाएगा। चेतावनी, किसी कौशल मंत्र का चयन करते समय कृपया ध्यान रखें कि कौशल मंत्र को संगत क्षमता में बदलने पर इस कौशल मंत्र का कोई भी विकसित उन्नत संस्करण यदि मौजूद है तो सिस्टम संग्रह से स्थायी रूप से गायब हो जाएगा। उपयोग सक्रिय करने के लिए कृपया चोर संबंधी कौशल मंत्र का नाम बोले जिसे आप चोर संबंधी क्षमता में बदलना चाहते हैं, जबकि चोर संबंधी क्षमता टोकन को अपनी एनर्जी से ढकें। एस की आंखें प्रायश्चित से कांप उठी, उसके बाद परमानंद ने उसे घेर लिया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह जिस इनाम को अब तक नजरअंदाज कर रहा था वह इतना बड़ा निकला। वह जानता था कि किसी भी कौशल सेट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि एक बार वह अधिक मजबूत हो गया तो कौशल अपना मूल्य खो देगा और उसे अधिक शक्तिशाली कौशल सेट की तलाश करनी होगी, विशेषकर उनके अपने कौशल सेट। यद्यपि उच्च श्रेणी के कौशल निम्न श्रेणी के कौशलों की तुलना में काफी शक्तिशाली थे, फिर भी कुछ कौशल समान श्रेणी के उच्च श्रेणी के कौशलों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी थे। सिस्टम से उनके पहले कौशलों में से एक पिकपॉकेट की तरह यह अभी भी पूर्ण पिकपॉकेट को अभी तक न समझ पाने के बावजूद आज भी समर्थित है। लेकिन अब प्रारंभिक पिकपॉकेट अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच चुका है और उसे इसकी जगह पूर्ण पिकपॉकेट की आवश्यकता है।
हालांकि वह जानता था कि एब्सोल्यूट पिकपॉकेट भी अंततः अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा, और अगर उसके पास कोई प्रतिस्थापन नहीं है तो वह अपना सबसे लाभदायक और इस्तेमाल किया जाने वाला कौशल खो देगा। भले ही वह एक नया बना सके, वह जानता था कि यह वैसा नहीं होगा। यही कारण है कि चोर की सहस्राब्दी क्षमता टोकन ने उन्हें चौंका दिया। यह एक ईश्वरीय वरदान की तरह था, क्योंकि यह उसे एक कौशल को अपनी व्यक्तिगत सहस्राब्दी क्षमता में बदलने की अनुमति देता था, और फिर चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए, सहस्राब्दी क्षमता उसका अनुसरण करती और कभी कमजोर नहीं होती। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह किस कौशल को एक सहसंबंधी क्षमता के रूप में चाहता था, एस को इसके बारे में दो बार सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वह अपने पसंदीदा कौशल को एक स्थायी सहसंबंधी क्षमता के रूप में पाने का यह मौका नहीं चुकेगा। एस ने बड़े पैमाने पर मुस्कुराते हुए टोकन को अपनी एनर्जी से धन दिया और बोला, पूर्ण पिकपॉकेट को चोर सहसंबंधी क्षमता में बदलो। जैसे ही एस के मुंह से शब्द निकले, उसे अचानक लगा कि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है। अगले ही पल एक गहरे नीले रंग की रोशनी अचानक कहीं से उसके ग्लैबुला से निकली और उसके हाथ में चमकते टोकन में समा गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, टोकन अचानक एक काली लकीर में बदल गया और उसकी ओर वापस चला गया। ग्लैबुला, इसी समय सिस्टम की आवाज बजी, चोर कौन ने क्षमता टोकन का उपयोग एब्सोल्यूट पिकपॉकेट पर किया गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एब्सोल्यूट पिकपॉकेट के 3 विकसित अपग्रेड संस्करण सिस्टम से हटा दिए गए हैं। पुरालेख, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पूर्ण के लिए संगति क्षमता बनाने के लिए व्यवहार्य संगति दिव्य प्रतिभा को प्रारूपित करना। जेब कतरे अंतिम ग्रेड निषिद्ध, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, संबंधित दिव्य प्रतिभा प्रथम चोर की विरासत, दिव्य प्रतिभा क्षमता आरोहण ग्रेड पूर्ण जेब कतरे हाथ की सफाई। स्पिरिट इन्फर्नो डोमेन बहुत बड़ा था और इस पर आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय का शासन था, जो एक द्वितीय श्रेणी का संप्रदाय था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि केवल आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय ही एकमात्र स्थान था जो अस्तित्व में था। वास्तव में स्पिरिट इन्फर्नो डोमेन के आकार के कारण आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय एक ही समय में सब कुछ की देखरेख नहीं कर सकता था, विशेष रूप से फोजिंग पर अपने मुख्य ध्यान के साथ। इसलिए आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से इसके अधीनस्थ प्रथम श्रेणी के संप्रदाय ग्रैंड संप्रदाय थे, जो स्पिरिट इन्फर्नो डोमेन को संभालते थे, और फिर एलिमेंटल ग्रेड संप्रदाय थे, जिनके पास प्रथम श्रेणी के संप्रदायों के नीचे अधीनस्थ शक्तियां थीं। यहां तक कि 5 श्रेणी के संप्रदायों के संप्रदाय अलायंस सिटी के शासन के तहत बीस्ट कैलेमिटी माउंटेन भी स्पिरिट इन्फर्नो डोमेन के बाहरी इलाके का एक छोटा सा हिस्सा था, और वे इतने दूर थे कि उन 5 ग्रैंड संप्रदायों को अभी भी आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, और न ही गार्जियन संप्रदाय ने उन्हें अपनी नजरों में रखा, क्योंकि वे बहुत कमजोर थे और उनके पास पहले से ही शीर्ष स्तर के प्रथम श्रेणी के संप्रदायों से भरी प्लेट थी, जो खुद को साबित करने और उनकी सद्भावना अर्जित करने के लिए उनके एकल आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय के क्षेत्र को आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन क्षेत्र कहा जाता था, और आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय के 4 दिशाओं में 4 गार्जियन संप्रदाय शहर स्थित थे। इन संरक्षक संप्रदाय शहरों का प्रबंधन आर्टिफैक्ट इन्फर्नो संरक्षक संप्रदाय के 4 मुख्य कुलों द्वारा किया जाता था, जो मुख्य संप्रदाय के लिए सभी भौतिक मामलों को संभालने के प्रभारी थे। इन मामलों में उनके अधीनस्थ प्रथम श्रेणी के संप्रदायों से श्रद्धांजलि एकत्र करने से लेकर स्पिरिट इन्फर्नो डोमेन से विदेशी संसाधन इकट्ठा करना शामिल था। इसके अलावा इन शहरों ने मुख्य संप्रदाय के लिए कम से कम 80% नए संप्रदाय शिष्यों का पालन पोषण भी किया। हर 25 साल में जब मुख्य संप्रदाय नई भर्तियों के लिए अपने द्वार खोलता है, तो 90% से अधिक नए शिष्य इन 4 शहरों से होते हैं, जबकि शेष उनकी अधीनस्थ शक्तियों से आते हैं, क्योंकि उन्हें उन अधीनस्थ संप्रदायों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और योग्यताओं के लिए निश्चित आवंटित स्थान भी दिए गए थे। इन शहरों में बिना गहन पृष्ठभूमि जांच के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, मुख्य संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, तथा इनके सुरक्षा उपायों को दरकिनार करना तो एक सपना ही था। पश्चिमी संरक्षक संप्रदाय शहर आर्टिफैक्ट इन्फर्नो संरक्षक संप्रदाय के पश्चिमी दिशा में स्थित था और वेस्टर्न कबीले के अधीन था, जो आर्टिफैक्ट इन्फर्नो संरक्षक संप्रदाय के 4 सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक था। इसके अलावा पश्चिमी संरक्षक संप्रदाय शहर संप्रदाय के प्रवेश द्वार से सबसे दूर था, ठीक इसके विपरीत, और निषिद्ध क्षेत्र भी इस शहर से कुछ 1000 मील दूर था। यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र की दिशा में कुछ 100 मील की यात्रा करता है, तो वह बादलों को भेदती हुई ऊंची दीवारों की आकृति देख पाएगा। ये दीवारें स्पिरिट इन्फर्नो डोमेन के निषिद्ध क्षेत्र को अलग करती हैं, और कोई भी उन्हें बाईपास नहीं कर सकता, क्योंकि वे दीवारें ऐसी संरचनाओं से भरी हुई हैं जो उड़ानों और यहां तक कि अंतरिक्ष प्रकार की क्षमताओं को भी रोकती हैं। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि संप्रदाय ने अन्य लोगों को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए उन दीवारों पर कितना निवेश किया होगा। हालांकि आज प्रकाश की एक अंधेरी लकीर अचानक तथाकथित असंभव मक्खी के विचार गठन को भेदती हुई ऊंची दीवार को पार कर गई और निषिद्ध क्षेत्र से आत्मा नरक क्षेत्र में प्रवेश कर गई।
अगर संप्रदाय को इस घटना के बारे में पता चलता तो वे चौंक जाते, क्योंकि इस मामले में कोई भी निषिद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं आया था और उन्हें मुख्य मार्ग से ही जाना था जिस पर संप्रदाय की चौकियां थीं। लेकिन आज असंभव आखिरकार घटित हो गया था। प्रकाश की काली रेखा तेजी से ऊंचे लाल वृक्षों से भरे घने जंगल की ओर उतरने लगी और पीछे अंधकार का एक धुंधला निशान छोड़ती चली गई। जल्द ही वह काली रेखा जंगल पर उतरी, जिससे एक काला हुड वाला लंबा आकार दिखाई दिया, जिसकी पीठ पर अलौकिक पंख थे। फिर वे फीके पड़ने लगे। स्याह हुड के नीचे चतुर गहरे नीले रंग की दो आंखें गंभीरता से शून्य की ओर देख रही थीं, जैसे कि वहां कुछ अदृश्य था। कौन सोच सकता था कि उस जगह पर एक दीवार थी। खैर, इसने मुझे वापस जाने और उन चौकियों से निपटने की परेशानी से बचा लिया। अब मुझे बस लाल प्लेटिनम के प्रकट होने का इंतजार करना है, उसके बाद ही मैं इसे ले पाऊंगा। इस बीच चलो इस जगह का पता लगाते हैं। मैं पहले से ही इस हवा में अग्नि आत्मा एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, जो यहाँ निषिद्ध क्षेत्र की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है। इसलिए ये वह जगह होनी चाहिए जहाँ निवासी हो सकते हैं। मैं बिना कुछ जाने दूसरे दर्जे के संप्रदाय में बेतहाशा घुसपैठ नहीं कर सकता, खासकर तब जब मेरी ज्यादातर क्षमताएं असेंशन सोल्जर क्षेत्र तक ही सीमित हैं। एस ने अपनी आंखों में गहरी प्रत्याशा के साथ सोचा। लगभग 2 साल हो गए थे जब से वह चोर के घर में एकांतवास के लिए गया था, जिसका मतलब है कि चोर के घर में समय के गुणक के साथ 6 साल बीत चुके थे। लेकिन एस के लिए अपने लाभ को पूरी तरह से आत्मसात करने, स्वर्गीय आत्मा एनर्जी के आदि होने और अपने स्वर्ग चोर साधना तकनीक खंड 2 आर्किटेक्ट ऑफ थीविंग हॉट के प्रारंभिक क्षेत्र कानून आत्मा आत्मसात में कदम रखने के लिए 6 साल पर्याप्त थे। अब एस स्पष्ट रूप से अपने शरीर में सीधे अपने दिल से शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकता था और हर धड़कन उसके मेरिडियन में स्वर्गीय आत्मा एनर्जी पंप कर रही थी। यह एहसास पहले से बिल्कुल अलग था, क्योंकि अब उसके शरीर में 2 अलग-अलग एनर्जी नहीं थे और ये एनर्जी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हालांकि वह अभी भी अपने हृदय के भीतर की आंतरिक दुनिया तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि चोर हृदय के वास्तुकार के अनुसार उसे अपनी आंतरिक दुनिया को फिर से खोलने और चोर हृदय का पहला परिवर्तन शुरू करने से पहले 100% आई लॉस सोल एसिमिलेशन 10-स्टार असेंशन सोल्जर तक पहुंचने की आवश्यकता है। उसके पास यूनिवर्सल असेंशन ब्लैक फिजिक को शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं है और निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ने और आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय में घुसपैठ करने की उसकी इच्छा का कारण बिल्कुल यही था। अंत में चोर हृदय के वास्तुकार में तेजी से प्रगति करने के लिए उसे जितना संभव हो उतना चोरी करने की आवश्यकता है। वह जितना अधिक चोरी करेगा, आत्मा साधना तकनीक के साथ उसकी प्रगति उतनी ही तेज होगी। भले ही वह यूनिवर्सल असेंशन ब्लैक फिजिक या मार्शल पाथ विभाग में सीमित था, लेकिन आत्मा पथ के लिए ऐसा नहीं था और वह अपने लाभ का पूरा उपयोग करने की योजना बना रहा था। तुम सर्टन बास्टर्ड्स, एक भूत के रूप में भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस समय अचानक एक ऊंची तीखी चीख ने एस को चौंका दिया। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हुए और खून से सने हुए थे, को कुछ छोटी मोटी धमकियों के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में गहरे चाकू घोंप दिए गए और उसके चारों ओर काले कपड़े पहने 8 व्यक्ति खड़े थे, जिन्होंने अपने चेहरे छिपाने के लिए काले मुखौटे पहन रखे थे। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का आभामंडल पूरी तरह से फैला हुआ और अस्त व्यस्त था, क्योंकि उसकी गर्दन और चेहरे पर काले निशान फैले हुए थे और उसकी रक्तवर्ण आंखों से काला खून बह रहा था। काले कपड़े पहने लोग पूरी तरह से शांत थे और उनकी आभा स्थिर थी। वे कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और इस तरह की स्थिति में एक कोने में फंसा हुआ चूहा बेहद खतरनाक होता है। तुम सर्टन बास्टर्ड्स, एक भूत के रूप में भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने घृणा से दहाड़ते हुए अपने हाथ में खूनी कोड़ा कसकर पकड़ लिया, लेकिन काले कपड़े पहने व्यक्तियों ने उसके श्राप का कोई जवाब नहीं दिया। केवल उनकी पूरी तरह से लाल आंखें ही भावशून्य और भावशून्य रहीं। हालांकि चूंकि उनका ध्यान पूरी तरह से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर था, इसलिए उन्होंने एक ऊंचे पेड़ पर अचानक अपनी स्थिति से 100 मीटर दूर एक छुपे हुए व्यक्ति को नहीं देखा। अगर वे देख भी पाते तो वे उस व्यक्ति की छुप छुप कर देखने में सक्षम होते। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की जांच का जवाब नहीं मिला, क्योंकि हत्यारे ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की और अचानक उनके आभामंडल में हलचल शुरू हो गई। इससे पहले कि उनके आसपास का वातावरण अंधकार में होने लगे, एक भयावह सन्नाटा छा गया जहां केवल मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अनियमित आवाजें ही सुनी जा सकती थीं। एस उन 9 को गहरी दिलचस्पी से देखने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकलते ही उसे हत्या के दृश्य का सामना करना पड़ेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक स्टार असेंशन सोल्जर था, जबकि 8 हत्यारे भी उसी क्षेत्र में थे। इसके अलावा एस ने तुरंत ही उस अधेड़ व्यक्ति के शरीर पर शक्तिशाली दुर्भावनापूर्ण आभा को महसूस कर लिया और जान गया कि उसे जहर दिया जा रहा है, और उस जहर में एक बिल्कुल नए कानून की आभा थी जिसे उसने पहले नहीं देखा था। जहर का कानून। वे हत्यारे जो भी हों, वे बेहद साधन संपन्न हैं और वह आदमी काफी महत्वपूर्ण लग रहा था, क्योंकि वे कानून से युक्त आरोही श्रेणी के जहर का भी इस्तेमाल कर रहे थे।
मुझे लगता है कि आर्टिफैक्ट इन्फर्नो गार्जियन संप्रदाय में बेतहाशा घुसपैठ न करने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। जहां तक इन लोगों का सवाल है, वे मेरी जानकारी के स्रोत और उनके लिए लक्ष्य हो सकते हैं। आखिरकार वे अपनी नई तकनीकों का परीक्षण करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एस के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, इससे पहले कि वह एक आवाज संदेश भेजता, और अगले ही पल कुछ आकृतियां जमीन पर दिखाई देने लगी। काले कपड़े पहने व्यक्तियों की प्रतिक्रिया की कमी को देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए, हार मानकर आह भरी और पराजित स्वर में बोला, चूंकि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, क्या आप कृपया मुझे इतना बता सकते हैं कि क्या ये वास्तव में दक्षिणी संरक्षक संप्रदाय शहर के सटन कबीले था जिसने मेरी हत्या करने के लिए आपके फीड हत्यारे गिल्ड को काम पर रखा था? हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की जांच का जवाब नहीं मिला क्योंकि हत्यारे ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की और अचानक उनके आभामंडल में हलचल शुरू हो गई। इससे पहले कि उनके आसपास का वातावरण अंधकार में होने लगे, एक भयावह सन्नाटा छा गया जहां केवल मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अनियमित आवाजें ही सुनी जा सकती थीं। कितना क्रूर गिरोह है, जैसा कि अफवाहों में तुम्हारे बारे में बताया गया है, लेकिन यह मत सोचो कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा छुपकर हमला करने और जहर का असर हो गया। मैं तुम में से कम एक शैतान को अपने साथ मार गिराऊंगा। वह दहाड़ा जब उसके शरीर से अचानक भूरी लपटें निकली जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और भयानक अंधेरे परिवेश को रोशन कर दिया। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपना अंतिम कदम उठाने वाला था, उसका तापमान बढ़ने लगा, उसने अपनी जीवन आत्मा की आग भी जला ली जो अग्नि प्रकार के साधक के लिए वर्जित थी, लेकिन वह उन्हें अपने साथ नीचे ले जाने के लिए दृढ़ था। आखिरकार वह जानता था कि वह इस रहस्यमय जहर से मरने वाला था जो सीधे उसकी आत्मा में घुसपैठ कर रहा था, और वह महसूस कर सकता था कि यह उसकी साधना को खा रहा था। हालांकि इस आग की रोशनी के बावजूद हत्यारे कहीं नजर नहीं आए, लेकिन वह रुका नहीं। उसका चाबुक अचानक से जिंदा हो गया और उसकी सतह पर भूरी लपटें उठने लगीं। फिसलती हुई ज्वाला उथल पुथल, उसने एक जादू किया और अपने बाएं ओर भागा जिससे पीछे नरक का निशान बनता चला गया। टकराना, चाबुक अचानक किसी धातु की चीज से टकराया। ये हत्यारा ही था जो करीब आने वाला था, और जैसे ही उसने चाबुक को अपने सिर में घुसने से रोका और अपने खंजर से उसे रोक दिया, वह पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि चाबुक रुका नहीं, ये हवा में घूमता रहा और सांप की तरह उसकी पीठ के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। ये दूसरे छिपे हुए हत्यारे से टकराया और पिछले हत्यारे की तरह उसे रोकने के लिए मजबूर कर दिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अपनी चाबुक तकनीक से 8 हत्यारों को बहुत तेज गति से रोक रहा था, लेकिन हत्यारे बेरहम लग रहे थे और बार बार वापस आ रहे थे। हर बार जब चाबुक ने उनकी कमजोरी को पहचाना तो वे उसे रोक रहे थे। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वे जानते थे कि मध्यम आयु का व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है और ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना था कि उसे सांस लेने का मौका न दिया जाए या उसके शोषण के लिए कोई रास्ता न छोड़ा जाए। उनके हमले बेहद समन्वित थे और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ हमलावर संरचनाओं का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा प्रत्येक झड़प के साथ उनके आसपास का क्षेत्र विस्फोटित हो गया, और जिस स्थान पर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था वह अब एक विशाल गड्ढा बन गया था जो जली हुई सतह और भूरे रंग की लपटों से भरा हुआ था। कमीने, तुम मर क्यों नहीं जाते? जब तुम मेरे जीवन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, वह दहाड़ता हुआ बोला। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी और उसे आत्मसमर्पण करने वाली लपटें अचानक तेज हो गईं और लगभग आसमान तक पहुंच गईं। निषिद्ध मंत्र, विनाश की ज्वाला। अचानक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चारों ओर की भड़की हुई लपटें उसके शरीर में वापस चली गईं, जिससे उसकी छाती के सामने एक छोटा सा बिंदु बन गया। हालांकि तापमान बढ़ने लगा क्योंकि उसके आसपास का वातावरण रंगहीन हो गया था और यहां तक कि आसपास की जगह भी कांपने लगी। मध्यम आयु वर्ग का वह व्यक्ति जिसका चेहरा अब काले जाल से भर चुका था, एक कमजोर किंतु घृणा से भरी मुस्कान बिखेर रहा था क्योंकि उसके चेहरे और शरीर पर दरारें दिखाई देने लगी थीं और फिर उसके हाथ बारीक राख में तब्दील होने लगे थे। मैं सभी के प्रतिशोध के लिए प्रार्थना करूंगा, उसके अंतिम शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था। केवल ज्वाला का छोटा सा बिंदु पीछे रह गया था जो अचानक और भी अधिक संकुचित होने लगा और फिर हिंसक रूप से लुढ़कने लगा। जिन हत्यारों को मौत का आभास हो गया था वे पूरी गति से भागने लगे थे, लेकिन अफसोस, निषिद्ध मंत्र का नाम निषिद्ध किसी कारण से रखा गया था। यहां तक कि एक बिन बुलाए हुए दल को भी अचानक महसूस हुआ कि उनके दिल में संकट आ गया है और वे भी वहीं रुक गए। दरार, इस समय ज्वाला का केंद्र बिंदु अचानक फट गया जिससे आसपास का स्थान हल्का सा नष्ट हो गया, फिर वह तुरंत फैलने लगा जिससे अंतहीन विनाश हुआ। बुम, जहां उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने निषिद्ध जादू किया था वहां एक विशाल स्वर रचनाकार चला गया और 100 मील के आसपास के क्षेत्र में कुछ भी नहीं बचा। हालांकि नरक भूमि से 8 काले कपड़े पहने आकृतियां टूटी हुई बाधाओं के साथ उठी। उनके शवों के चारों ओर वे 8 हत्यारे थे जो विस्फोट में बच गए, जिससे मध्यम आयु वर्ग का ये व्यक्ति अंदर तक स्तब्ध रह जाता यदि वह ये देखने के लिए जीवित होता।
दृश्य लक्ष्य को नष्ट कर दिया गया है। मिशन पूरा हुआ। 8 हथियारों में से एक की स्थिर आवाज सुनाई दी। हथियारे पीछे मुड़े और जाने ही वाले थे कि अचानक कहीं से उनकी गर्दन के चारों ओर स्याहीदार खंजर दिखाई दिए और वे अपनी जगह पर ही रहे। लेकिन वे हथियारे जरा भी नहीं हिले, क्योंकि वे रक्षात्मक खजाने पहनने के बावजूद अपनी खाल पर उन पिन खंजरों की तीखी धार महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो वे खतरे उनकी सभी सुरक्षाओं को भेद सकते हैं। क्या पागल है, इस समय एक तीखी किंतु परेशान सी आवाज गूंजी। अगले ही पल उन 8 हथियारों को 8 अन्य काले कपड़े पहने व्यक्तियों ने घेर लिया। उनके कपड़े सौंदर्य की दृष्टि से अधिक आकर्षक थे और यद्यपि उनके रंग एक जैसे थे, फिर भी कोई यह बता सकता था कि वे एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। खैर, दो लंबे लोगों को छोड़कर जिन्होंने लबादा पहना हुआ था, उनमें से एक के कंधे पर एक छोटा सा काला पक्षी और एक प्यारा सा हमस्टर भी था। ये पूरा चोर घर था जिसमें दो चोर अनुचर साइरस और चुचू थे। मुझे मानना पड़ा उस निषिद्ध जादू ने हमें लगभग चौंका दिया था। ये वास्तव में एक और स्वर्ग है। मैं इस जगह की हवा और दबाव को महसूस कर सकता हूँ जो हमारे जन्मस्थान से बहुत अलग है। एक और मधुर आवाज ने आह भरी और उसकी आवाज में उत्साह का एक संकेत मौजूद था। ये फ्रेया थी। विंटर, जिन्होंने पहले ही टिप्पणी कर दी थी, ने पलटकर कहा, और मैं ये भी मानता हूँ कि यहाँ के लोग घर से भी ज्यादा बेवकूफ हैं। कौन सोच सकता था कि इस जगह पर आने के बाद पहली चीज जो हमने देखी वह हत्या का प्रयास होगा, और वे कमीने इसे बच भी गए। वे खजाने से भरे हुए हैं और मैं उन्हें अपना मानता हूँ। विंटर ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया, क्योंकि उसकी चालाक आंखें लालच से चमक उठी। उसने उन 8 हथियारों को घूरा जो अब पूरी तरह से नोआ की दया पर थे। वे जीवित प्राणी नहीं थे, लेकिन एच भी उसकी आंखों में था। कितना बेकार, उसने निर्णय भोजन बर्बाद कर दिया। इस समय साइरस की विलाप भरी आवाज गूंजी, जिससे महिलाएं हंस पड़ी, क्योंकि वे ये देखकर खुश थीं कि शरारती बच्चा अपने शुरुआती अनुभव से आघातग्रस्त नहीं हुआ। वास्तव में उसने उस जादू को डालने के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्पिरिट फायर का इस्तेमाल किया था, और वह स्पिरिट फायर मेरे पास मौजूद स्पिरिट फायर की तुलना में बेहद शक्तिशाली थी। ऐसा लग रहा था कि इस आर्टिफिस इन्फर्नो गार्जियन सेक्ट के संसाधन हमारे विचार से कहीं अधिक समृद्ध हैं। एक दूसरे दर्जे का संप्रदाय एक ताकत है जिसे गिना जाना चाहिए। नोआ की बेहोश आवाज गूंजी जब उसने ठंडे दिमाग से स्थिर हथियारों की ओर देखा, और उसे उन्हें मारने से रोकने वाली एकमात्र चीज ये थी कि वह इसके आदेश का इंतजार कर रही थी। जब वे सभी एस की यादों को चुराने और फिर उन्हें स्टार स्लिप्स में बदलने की क्षमता के बारे में जान गए, और अब जब वे इस अज्ञात स्थान पर थे, तो उन्हें हर उस जानकारी की आवश्यकता थी जो उन्हें मिल सकती थी। वास्तव में एस ने इस समय शांत स्वर में सिर हिलाया और उन हथियारों की ओर उत्सुकता से देखा, फिर उन लोगों के संसाधनों और धन की कल्पना करें जिन्होंने दूसरे दर्जे के संप्रदाय के लोगों की हत्या करने की हिम्मत की। मैंने अनुमान लगाया कि वे शैतान हत्यारा गिर थे, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने आपको ऐसा कहा था। तो वह संप्रदाय से था, क्या आपको उसकी यादें मरने से पहले मिल गई थी? एलिना ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि वह उसके बाईं ओर खड़ी थी, एक काले रंग का लबादा पहने हुए, क्योंकि उसके पास अपनी दुकान से वस्त्र खरीदने के लिए पर्याप्त एचपी नहीं था। एस ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं उन सभी को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वह काफी ताकतवर था और किसी कारण से उसका ज्ञान सागर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा उसके ज्ञान सागर में एक सील लग रही थी, और मुझे इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिरकार उन्होंने जो भी जहर इस्तेमाल किया उससे उस सील में दरार आ गई, और इसलिए मैं उसके फटने से पहले कुछ यादें बचाने में सक्षम था, लेकिन वे हमारे आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त हैं। एस की आंखें अचानक तेज हो गईं जब उसने उन 8 हथियारों की ओर देखा जो इस समय चुप थे, और उसने गंभीरता से कहा, उनके पास ज्ञान का सागर नहीं था, क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं थी। एस के अप्रत्याशित रहस्योद्घाटन को सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। विंटर और ईवा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने एक ही समय में यह बात कह दी। लाश कठपुतलियां, मरे हुए कठपुतली। एस जानता था कि यदि किसी को पता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, तो वे ईवा और विंटर ही होंगे। पहला इसलिए क्योंकि जब उसने अपना विकास पूरा किया तो वह रीगल फाइन टॉवर में थी, जहां रक्त कठपुतलियों का उपयोग परीक्षण कठपुतलियों के रूप में किया जा रहा था, ताकि मून फाइंडिंग की पुनर्जन्म तकनीक के दावेदारों को हेरफेर और नष्ट किया जा सके, और ईवा द्वारा अपने विकास को जल्दी से पूरा करने का कारण भी वही था। उत्तराद इसलिए था क्योंकि उसे दानव महाद्वीप में लाश दानव जनजाति की विरासत मिली थी, और वह लगभग उनके सदस्यों में से एक के कब्जे में आ गई थी, और आत्मा पुनरुत्थान मन का भी लाश दानव जनजाति के उस सदस्य से लूट लिया गया था। हालांकि जिस क्षण ईवा और विंटर ने ये बातें जोर से कही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके शब्दों में कहा गया था, लेकिन 8 हथियारे अचानक कांपने लगे और उनके शरीर लाल रोशनी में चमकने लगे। एस के पास समझाने का समय नहीं था, क्योंकि उसने तुरंत उसी प्रकार की आभा को महसूस किया जैसा उसने उस अधेड़ व्यक्ति द्वारा निषिद्ध जादू डालने से पहले महसूस किया था, और नोआ को आदेश दिया था, उनकी गर्दन के बीच में हमला करो, वहां किसी प्रकार की शक्ति का स्रोत है।
नोआ, जो उन सभी का सिर काटने ही वाली थी, ने तुरंत एस के शब्दों पर प्रतिक्रिया की और खतरे की पिने उसकी इच्छा का पालन करते हुए उनकी गर्दनों की ओर बढ़ी। उनकी आत्माएं निजी बाधाओं या किसी भी सुरक्षा को दरकिनार करते हुए और उनकी गर्दनों में गहराई तक घुस गईं। लगभग तुरंत ही कांच के टूटने जैसी आवाज गूंजी और उन हत्यारों की लालिमा अचानक गायब हो गई, क्योंकि वे बिना किसी जीवन के चिन्ह के जमीन पर गिर पड़े। हालांकि इससे पहले कि घर के सदस्य राहत की सांस ले पाते, लाश की कठपुतलियों में से एक, जिसने पहले स्थिर स्वर में बात की थी, ने अचानक अपने शरीर से एक काला भयावह कोहरा छोड़ा, जिसका अनुसरण अन्य कठपुतलियों ने भी किया और वह एक काले शैतानी चेहरे में बदल गया। जो कोई भी फाइंड हत्यारे गिल्ड के सदस्यों को मारने की हिम्मत करता है, वह अंतहीन दुख में डूब जाएगा। मैं तुम्हें किलिंग फाइंड अभिशाप दूंगा, घर के सदस्य और एस पैशाचिक चेहरे की घोषणा से हैरान थे। अगले ही क्षण वह शैतानी चेहरा अचानक एक काले भयानक रेखा में बदल गया और सीधे नोआ की ओर बढ़ गया। नोआ की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने उस काली लकीर में निहित नापाक आभा को महसूस किया, लेकिन उसमें कोई हमला करने की शक्ति नहीं थी। फिर भी वह जानती थी कि अगर वह उससे छू गई तो ये बुरी खबर के अलावा कुछ नहीं होगा। नोआ के सामने अचानक एक अंधेरी अलौकिक बाधा प्रकट हुई और उसने उस रेखा को रोक दिया। हालांकि जब काली रेखा उसके सामने एनर्जी बाधा पर उतरी तो वह चौंक गई और अगले ही पल वह बाधा के चारों ओर फैलने लगी। हर किसी के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा था कि काली रेखा की आभा नोआ की एनर्जी को नष्ट कर रही थी। जल्दी से अपनी एनर्जी काट दो, विंटर ने नोआ पर जोर से चिल्लाया, जो कि स्तब्ध लग रहा था। मैं नहीं कर सकती, नोआ ने घबरा कर जवाब दिया। वह शब्दों से परे सदमे में थी और पहले से ही अपनी एनर्जी को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी कारण से वह ऐसा नहीं कर सकी। इस समय एस हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। वह सीधे नोआ के सामने आता है और संक्षारक कोहरे को रोकने के लिए अपनी एनर्जी का उपयोग करता है। जब एस की स्वर्गीय एनर्जी ने संक्षारक कोहरे को ढांक लिया तो उसने आखिरकार प्रतिक्रिया की। किसी चीज के जलने की तीखी आवाज सुनाई दी और एस एनर्जी इस किलिंग फियन शाप के लिए अभिशाप लग रहा था। नोआ के एनर्जी अवरोध को साफ करते हुए काला धुआं उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे नोआ से किसी प्रकार की बेड़ी हटा दी गई हो और वह अंततः अपनी अनियंत्रित एनर्जी को रोक सकती थी, और जैसे ही उसने अपनी एनर्जी को रोका वह अवरोध अंततः गायब हो गया। एस के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने देखा कि काला धुआं गायब हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि हमने बस एक गोली को चकमा दिया है। ये फी एंड असैसिन गिल्ड उतना सरल नहीं है जितना हम इसे बना रहे हैं। यह अभिशाप किसी तरह का ट्रैकिंग मार्क या इससे भी बदतर किसी तरह का जहर हो सकता है। केवल मेरी आदिम आत्मा एनर्जी ही इसका मुकाबला करने में सक्षम थी। धन्यवाद नेता, नोआ ने जल्दी से एस को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसने उसे एक अज्ञात खतरे से बचाया है, इससे पहले कि उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमकती जब उसने वह मृत पड़े आठ कठपुतलियों की ओर देखा। वह इस दुर्भावना को नहीं भूलेगी जिसने उसे एस के सामने अपमानित किया था, और यह फाइंड हत्यारा गिल्ड पहले से ही उसकी हत्या सूची में सबसे ऊपर था। कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें उन्हें मारने के लिए कहा था। इसके अलावा मुझे यकीन है कि तुम इस अभिशाप का सामना कुछ ही समय में कर पाओगे, जब तुम्हारी आत्मा एनर्जी और कानून इस अभिशाप के मूल से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक बार जब तुम अपने वस्त्रों को उन्नत कर लोगे तो उनमें अभिशापों के विरुद्ध बचाव की क्षमता होनी चाहिए। एस ने अपना सिर हिलाया। लेकिन हमें अब से ज्यादा सावधान रहना चाहिए, हम अभी भी इस जगह पर नए हैं और आरोही क्षेत्रों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। सभी ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी निचले स्वर्ग से थे और अभी भी आरोही क्षेत्रों के बारे में सीख रहे थे। यह उनके लिए एक सबक भी होगा कि वे अपने विरोधियों को कम ना आंकें। आखिरकार एस के स्वर्गारोहण से पहले वे सभी मॉर्टल स्काई हेवन में लगभग अपराजय थे, इसलिए वे पहले की तरह सतर्क नहीं थे। अब क्या तुम समझा सकते हो कि यह मरे हुए लोगों की कठपुतली किस बारे में है, फ्रेया ने अचानक पूछा, अभी भी कुछ हद तक जो हुआ उससे डरी हुई थी। आखिरकार वह जानती थी कि नोआ सबसे ताकतवर है, फिर भी एस के हस्तक्षेप के बिना वह लगभग शापित थी। एस ने सिर हिलाया और सबके लिए स्टार स्लिप्स बनाई। इवा और विंटर से एंडेड पपेट्री के बारे में मुझे जो भी जानकारी है वह सब इनमें है। मैंने स्पिरिट इन्फर्नो डोमेन के बारे में भी जानकारी शामिल की है, जो मुझे बूढ़े आदमी से मिली थी इससे पहले कि वह खुद को उड़ा ले। सभी ने जल्दी से उन स्टार स्लिप्स का उपयोग किया, क्योंकि वे अब इस मरे हुए कठपुतली के बारे में बेहद उत्सुक थे। इस समय ईवा ने अचानक एस को एक मानसिक संदेश भेजा, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह स्टोरेज रिंग है जिसे तुम खोल नहीं सके? एस ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। अगर ये लाश की कठपुतलियां न उभरी होती तो शायद मुझे ये याद ही न रहता। वह रिंग ऐसी चीज थी जिसे मून फाइंड किंग ने बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा था, इसलिए उसके अंदर जो कुछ भी था वह काफी कीमती होना चाहिए। एस ने फिर जल्दी से अपने चोर के स्थान में स्टोरेज रिंग की तलाश की, जिसे ईवा ने उस दिन रीगल फाइन टॉवर में अपने दिव्य गुणों में से एक का उपयोग करके उसके लिए लाया था। लेकिन वह इसे खोल नहीं सका, क्योंकि सिस्टम को अपग्रेड की आवश्यकता थी,
इसलिए उसने इसे दूर रख दिया और इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। लेकिन अब जब उसे फिर से लाश की कठपुतली का सामना करना पड़ा तो उसे आखिरकार यह याद आ गया, और यह कहना झूठ नहीं होगा कि वह अंदर क्या है ये देखने के लिए उत्साहित नहीं था। आखिरकार मून फाइंड किंग मॉर्टल असेंशन हेवन से था, और वह किसी संप्रदाय से एक बड़ा शख्स लग रहा था, इसलिए इसका मतलब मॉर्टल असेंशन हेवन ग्रेड के खजाने भी हैं। उस पल एस को आखिरकार वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, एक काली रिंग जिसके ऊपरी हिस्से में लाल माणिक जड़ा हुआ था। ये वही रिंग थी जो उसे रीगल फाइन टॉवर के गुप्त डिब्बे से मिली थी। इसके अलावा अब वह पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह रिंग के ऊपर लगे माणिक से निकलने वाली गहन आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस समय इससे पहले कि वह सिस्टम को खोलने का आदेश दे पाता, सिस्टम इंटरफेस अचानक उसके सामने आ गया जिससे वह चौंक गया। यूनिवर्सल की ने लोअर असेंशन ग्रेड 7 स्टोरेज स्पेस रिंग पर असेंशन ग्रेड 7 स्पिरिचुअल लॉ मास्टर लॉक का पता लगाया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट अनलॉकिंग लागत 1 करोड़ TP। जारी रखें। बाद में एस को तब आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि सार्वभौमिक कुंजी अचानक अपने आप सक्रिय हो गई, और उसे तब और भी अधिक आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि यह स्टोरेज रिंग एक असेंशन ग्रेड 7 खजाना थी। लेकिन उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और सिस्टम से पूछा, सिस्टम मुझे इस स्टोरेज रिंग को खोलने के लिए यूनिवर्सल कुंजी की क्या आवश्यकता होगी? क्या तुम्हें इसे वैसे नहीं खोलना चाहिए जैसे तुम पहले करते रहे हो? यूनिवर्सल की फंक्शन केवल लॉक के लिए सक्रिय होती है, और इस स्टोरेज रिंग में केवल आध्यात्मिक चिन्ह नहीं होता है जो कि एनर्जी मार्क का विकसित संस्करण है। आध्यात्मिक चिन्ह में मालिक का मुख्य कानून समाहित होता है, और ये लंबे समय तक बना रहता है, यहां तक कि इसके मालिक की मृत्यु के बाद भी। सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक चिन्ह को आसानी से नष्ट किया जा सकता है जब तक कि उस पर एक मजबूत आध्यात्मिक चिन्ह द्वारा हमला किया जाता है। हालांकि इस रिंग में एक विशेष लॉक भी लगा हुआ है, एक आध्यात्मिक लॉक जिसे केवल रून क्राफ्टर्स लॉक मास्टर्स की एक अनूठी शाखा द्वारा ही बनाया जा सकता है, और इसीलिए इन लॉक्स को मास्टर लॉक्स कहा जाता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मास्टर लॉक एक उचित लॉक होता है जो फॉर्मेशन लॉक से कहीं अधिक जटिल होता है, और इसे विभिन्न तंत्रों और फॉर्मेशन की जटिल सरणी के साथ बनाया जाता है। जैसे आप फॉर्मेशन को तोड़कर फॉर्मेशन लॉक खोलने के आदी हैं, लेकिन उनके विपरीत आपको मास्टर लॉक के लिए प्रत्येक फॉर्मेशन को एक विशेष क्रम में तोड़ना होगा, जबकि यह सुनिश्चित करना होगा कि एक भी गलत फॉर्मेशन मास्टर लॉक के आत्मविनाश क्रम को ट्रिगर न करे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए मास्टर लॉक सबसे अधिक सुरक्षात्मक प्रकार के लॉक हैं। प्रत्येक मास्टर लॉक को अनलॉक करने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता होती है, और इसके बिना यदि कोई असफल प्रयासों के बाद इसे खोलने की कोशिश करता है तो मास्टर लॉक स्वयं नष्ट हो जाएगा और इसमें मौजूद सभी चीजें शून्य में चली जाएंगी, हमेशा के लिए खो गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इस मामले में इस रिंग की मास्टर लॉक कुंजी इसके पिछले मालिक का सोल सिग्नेचर है। यदि आप इसे जबरन खोलने की कोशिश करते हैं तो 3 असफल प्रयासों के बाद अंदर की हर चीज गायब हो जाएगी। बेशक अगर होस्ट को लॉक मास्टर्स का गहरा ज्ञान है तो आप इसे तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए लॉक मास्टर्स के लिए विशेष लॉक मास्टर टूल्स की भी आवश्यकता होती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट